अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मैं जॉब पे आया हूँ। सुबह सुबह मैंने कहा था कि चलो आपको थोड़ा सा दिखा दें, यहाँ मैं जो जॉब वगैरह करता हूँ। अब ये जगह बड़ी प्यारी है जहाँ पे मैं हूँ, आपको थोड़ा सा दिखा। बेसिकली आपको मेरे ख्याल से पता तो होगा मेरा कि बिकॉज़ मैं हर बंदे को बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो नेक्स्ट व्लॉग रेडी करना था, मैं चलो जिस जगह पर जॉब पर जाया करूँगा ना, वहाँ की बना लिया करूँगा प्लेस की। अब यहाँ पर जॉब पर आया हूँ और सिक्योरिटी की जॉब होती है मेरी, ठीक है, कैमरे मॉनिटर करने होते हैं मैंने। तो अभी फ़िलहाल पार्किंग पे लगा के गाड़ी और मैं निकल पड़ा हूँ। यहाँ से करीब ही है, थोड़ा सा साथ साथ मैं क्या आप लोग नज़ारे कर लें। यहाँ की जॉब्स जो हैं ना, मोस्टली सिक्योरिटी की काफ़ी हार्ड है। अगर आप डे की करते हैं, 12 घंटे की जॉब है, ठीक है, तो डे की करते हैं तो देखें। मैं अब पहले छः से छः थी, लाइक 6 बजे से सुबह से शाम 6 बजे, मतलब 5 बजे उठना पड़ता था क्योंकि मेरी जॉब मोस्टली आधा पौना घंटा या घंटे की होती है। अभी यहाँ पे मैं जहाँ पे आया हूँ 55 मिनट लगे मुझे पहुँचते हुए, वापस जाते हुए मुझे 1 घंटा आराम से लग जाएगा या मे भी थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। तो अब ये टाउन है मेरे ख्याल से यहाँ का, जहाँ पर मैं आया हूँ, ठीक है। तो मुझे तकरीबन इतना टाइम लगा, पार्किंग लगाई है, पार्किंग लगा के इधर को निकल आया हूँ। थोड़ा सा ये नज़ारा ले लें, ये देखें सुबह सुबह यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह हो रही है और अभी तो सारी शॉप्स बंद हैं। सुबह सुबह निकलना बहुत हार्ड, यकीन माने आपको लगता होगा जो ये कहते हैं ना, मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगा उसके लिए भी कि जो लोग कहते हैं कि यूट्यूब के ऊपर सपोर्ट करो, या जब कोई बड़ा बंदा हो जाता फिर उसको सपोर्ट नहीं करता कोई भी, वो बंदा सपोर्ट नहीं करता। तो ये जो छोटे यूट्यूबर होते हैं ना, छोटा बड़ा कोई भी नहीं होता, टाइम की बात होती है, किसी का जल्दी टाइम आ जाता है और कईयों को बेचारे को पी काटनी पड़ती है अच्छी खासी। जैसे मुझे 1 साल 6-7 महीने लगे मेरी वीडियो वायरल होने में। जब वीडियो वायरल होगी, अच्छे खासे सब्सक्राइबर गेन हो गए, व्यूज़ आना शुरू हो गए, तो लोगों ने बातें करना शुरू कर दी, अब तो बड़ा यूट्यूबर हो गया, अब तो रिप्लाई नहीं करता। उन्होंने भी बातें लगाई जो मुझे कभी सपोर्ट नहीं से करते, कभी एक आधी दफ़ा चैनल पे आ गए शुरू में, आगे उसके बाद कभी नहीं आए, तो वो भी बातें लगाना शुरू कर देते हैं ना मुझे। तो उनके ऊपर भी स्पेशल जनसन मैं वीडियो बनाऊंगा। तो अभी ये सामने मेरे बिल्कुल मैं पहुंच चुका हूँ जॉब पे, ठीक है। तो सामने टाउन है, जब यहाँ पर रश रुश पड़ेगा ना तो उधर की भी वीडियो मैं बनाऊँगा, अंदर की गौरव शोरे आपको दिखाऊँगा, समझ गए ना। ये जगह पे मैं जॉब आ जाए हूँ, मेरी हर वीक जॉब चेंज होती है, कभी कहीं होती है कभी कहीं होती है, और इस दफ़ा यहाँ पे मिली है, काफ़ी दूर है घर से। तो गाइस यहाँ से हम निकल पड़े हुए हैं, जॉब छुट्टी हो चुकी हुई है और सुबह आते हुए आपको दिखा दिया था मैंने जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, और अभी वापसी जा रहे हैं। और प्रेस्टन नाम है, पता नहीं यार मेरी इंग्लिश भी नहीं अच्छी है, अनपढ़ सा बंदा हूँ यार, कबूल कर लेना जिस तरह का भी ये व्लॉग है। प्रिस्टन नाम से मेरे ख्याल से ये जगह है जहाँ पे मैं जॉब करने आया हूँ। घर से तकरीबन 55 मिनट लगते हैं मुझे, ठीक है। तो अभी पार्किंग पे गाड़ी लगाई थी शाम के टाइम, तो यहाँ पे सामने लगा सकते हैं ऑफिस के, बट अभी पार्किंग एरिया पे लगानी पड़ी मुझे, बिकॉज़ डे वाले टाइम ना वो टिकट लगा जाते हैं, ठीक है। तो अब जा रहा हूँ मैं वापसी पार्किंग वाली जगह से गाड़ी उठाऊंगा, और जाते जाते बारिश हो रही है, मैं क्या आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा माहौल दिखा दूँ। ये बार्स वगैरह यहाँ पे खुले हैं, दोपहर को बहुत दाढ़ी वाली धूप निकली हुई थी तो लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे पब वगैरह पे बैठ के, बट अभी जो उनसे वो सीन ये हो गया हुआ है कि बारिश हो रही है, एकदम ही वक्त बदल गए, जज्बात बदल गए एकदम ही, ठीक है। तो अभी ये जगह तो देख लें, आस्ते आस्ते आपको और जगह भी दिखाएंगे, घूमे फिरेंगे, जहाँ जहाँ पे जॉब चेंज होती जाएगी आपको दिखाते जाएंगे। और एक ही आ गया से आगे मैं खामोश हो गया क्योंकि मेरे सांस रुक गए थे, बिकॉज़ आगे कुछ ऐसा आ गया था जो आप लोगों को देखना नहीं चाहिए। बहरहाल चलें, अब इस तरह की चीज़ें देख के आँखें बंदा बंद नहीं कर सकता, बट आदत हो गई है इन चीज़ों की। अब शुरू शुरू में मैं बड़ा शर्माता था भाई, कहना हूँ इतने ही रहना, तो हूँ अखा बंद करके नहीं तुरना, अखा खोल के तुरना पैना, मजबूरी है। तो
तो आप अगर इस तरह की कोई चीज़ नज़र भी आए ना तो इग्नोर कर देते हैं। तो डू यू नो व्हाट आई मीन। तो यहाँ से हम अब जा रहे हैं कार पार्किंग की तरफ। जाते जाते रात शाम पड़ गई, शाम का मैंने कहा माहौल दिखा दूँ। पीछे लड़की आ रही है बड़ी सोनी, ठीक है इनको नहीं देखना, इनको देखना अच्छी बात नहीं होती है। लड़कियाँ वगैरह यहाँ पर सिगरेट्स वगैरह नॉर्मल पी रही होती हैं, ठीक है। मेरी यहाँ पर इतनी गैदरिंग वैदरिंग नहीं है, नहीं तो मे भी शायद मुझे भी दोस्त लगाने की कोशिश करते, बट मैं इस तरह की चीज़ों से बड़ा दूर हूँ, सिगरेट वगैरह कुछ भी नहीं। आई एम वेरी शरीफ बच्चा गाइस, वेरी शरीफ। ये देखें कैसी कैसी लड़की हैं, सारी शराबी वगैरह बैठे हुए हैं। तो आप लोग देखें इंजॉय करें। ये बंदा सुबह से बैठा हुआ है यहाँ पर शराब पी के, ये मेरे साइड पे था ना, जो मैं सुबह भी आया था पार्किंग पे दोबारा ना लेने को, चीज़ लेने आया था पार्किंग पे, तो ये बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था और अभी तक यहाँ पे बैठा। ये नुकसान देती है शराब, शराब इज़ वेरी डेंजरस। कूल मैन, कूल वेदर मैन, कूल वेदर मैन। इंजॉय करें गाइस, इंशाल्लाह आपको जहाँ जहाँ जाता जाऊँगा ना कोशिश करूँगा वीक में एक आधा तो व्लॉग आपको दूँ लाजमी, वीक में एक आधा लाजमी व्लॉग आपको दूँगा। अभी मुझे स्टैंड वगैरह लेना है, बड़ा कुछ लेना है, वो ले लूँगा ना तो फिर चलती गाड़ी पे भी आपको नज़ारे दिखाऊँगा इधर उधर के, ठीक है चलती गाड़ी पे ना, क्योंकि काफ़ी ऐसी जगह आती हैं जो बहुत प्यारी होती हैं, बट ड्राइविंग करते हुए आप मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते। सबसे बड़ा यहाँ पर डेंजरस ये है कि भाई सीधे आपका लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं अगर आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल ड्राइविंग सीट पे बैठ के मोबाइल को छेड़ रहे हैं। तो साथ वाले यूज़ कर सकते हैं, बट ड्राइविंग करते हुए अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट है और आपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ ना भाई, आपका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है पुलिस के थ्रू, बिकॉज लीगल नहीं है ये चीज़। मोबाइल को बहुत बुरा कहा जाता है यहाँ पे ड्राइविंग के दौरान, बट अपने पाकिस्तानी ये बोरे भी यूज़ कर रहे होते हैं तो नुकसान इनको ही होता है, करते हैं लोग फिर भी बताते, खुद खाकसार खुद भी चबले मारता होता है कभी कभार, क्योंकि वो मैसेज आ जाते हैं एकदम, चलो देख के रिप्लाई कर दें बाद में, फिर लंबा सफ़र। अब देखें फ़र्ज़ करें अब मैं जा रहा हूँ घर, ठीक है मैंने गाड़ी में बैठ जाना, पौना घंटा घंटा अगर किसी के मैसेज आ रहे हैं बंदा रिप्लाई नहीं कर सकता गाड़ी चलानी, इसलिए कोशिश होती है कि गाड़ी अगर हल्की है ना तो वैसे ही रिप्लाई कर दे। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं करना, अच्छी बात नहीं होती है। अगर आप लोगों ने व्लॉग के ऊपर सपोर्ट किया, ठीक है पता लगा कि भाई व्लॉग पे आप लोग पसंद कर रहे हो कि यहाँ की लाइफ, यहाँ के दुनिया के लोग, तो फिर इंशाल्लाह स्टैंड वगैरह और इसको तरक्की भी करेंगे जो आप लोगों को मज़ा आएगा। अभी के लिए इतने ही गाइस, और वीडियो कल मैं निकलूँगा जब घर से तब बनाऊँगा, घर के पास की थोड़ी सी वीडियो, और फिर रास्ते में कोशिश करूँगा बनाने की अगर बन पाई तो। बाकी जिस तरह का भी व्लॉग है पसंद लाजमी कर देना यार, लाइक सब्सक्राइब कर देना, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ताकि अगला बंदा एफर्ट कर रहा है आपके लिए कर रहा है। मैं तो ये चीज़ें रोज़ देख रहा हूँ, ये आपकी खुशी के लिए ये कर रहा हूँ कि आप लोग भी देखो एंजॉय करो, यहाँ की लाइफ एंजॉय करो, ठीक है गाइस। अस्सलाम वालेकुम गाइस, और हम सुबह सुबह उठ गए हैं सुती सूरत, यू नो ये टाइम हो चुका हुआ है यहाँ पे 5 बजे का, ठीक है। मेरी जॉब ये होती है कि अगर मॉर्निंग की हो तो सुबह 5 बजे या 6 बजे निकलना पड़ता है घर से, उस हिसाब से उठना भी जल्दी पड़ता है। अभी आपके सामने मौसम देख लें, सुबह सुबह का टाइम है, कोई भी नहीं जाग रहा, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो हम निकलने लगे जॉब के लिए और वहाँ पे ही जाना है जहाँ पे मैं पहले आप दिखा चुका हूँ आप लोगों को। काफ़ी टफ लाइफ है यार यहाँ पे, और आप लोग भी ये सोचते होंगे कि मैं लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं करता। भाई देखें, जब जिस बंदे ने सुबह सुबह उठ के जाना है, 5 बजे जाना है, ठीक है, और वापस जो है वो 8-9 बजे आना, 14 घंटे की तकरीबन जॉब बनती है, 1 घंटा जाना 1 घंटा आना। तो आप मुझे बताएं कि 14 घंटा जो बंदा जॉब करके आए तो उसका कैसे स्ट्रीम करने का टाइम उसको मिलेगा, वीडियो भी क्रिएट करनी होती है अगले दिन के लिए, और भी काम होते हैं। तो लेट्स सी, आगे मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, अभी फ़िलहाल निकलते हैं ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ जॉब से। तो जी गाइस, हम पहुँच चुके हुए हैं जॉब पर अगेन सुबह सुबह, ठीक है, और आज काफ़ी धुंध पड़ गई है यहाँ पर गाइस। यहाँ से कल वापसी जाते हुए आपको दिखाया था मैंने, अभी वापस जॉब पे जाते हुए थोड़ा सा फिर दिखा देता हूँ ताकि सुबह का नज़ारा आप ये देखें गाइस। बिल्डिंग है सामने, इतनी बड़ी बिल्डिंग है और वो नज़र नहीं आ रही, हालांकि मैं बिल्कुल उसके पास। अब मैं लगातार 5 दिन जॉब पे गया हूँ और मैंने बड़ी कोशिश की है घर जा के मैं स्ट्रीम करूँ, बट यार यकीन माने 14 घंटे की जॉब के बाद होश ही नहीं रहती है, इतनी थकावट हो जाती है कि जा के बंदा सोचता है कि सो जाऊँ, ना सो लेट सो तो फिर 3-4 घंटे की नींद, 5 घंटे की नींद की वजह से सुबह उठ के फिर जॉब पे आना और फिर वही रूटीन,
बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यार। ये देखें गाइस, यहाँ पे डेली यहाँ पे इस तरह क्लीनिंग होती है, ठीक है, रोड्स पे मोस्टली। ये देखें बिन खाली किए जा रहे हैं मशीन के ज़रिए, और शॉप्स अभी तक तो बंद है, ये मेरे ख्याल 8-9 बजे के बाद खुलेंगी सारी शॉप्स वगैरह ना। बाकी ये एरिया आपको रात को मैंने दिखा दिया हुआ था, रात के टाइम काफ़ी ये बार्स वगैरह यहाँ पे और भी शॉप्स हैं काफ़ी। बट अभी कोरोना की वजह से ना यहाँ पे रश वगैरह कम है, इतना ख़ास रश नहीं है, रश होता है यहाँ पे काफ़ी बट अभी इतना नहीं है, यहाँ पे अभी तो इतना माहौल नहीं है। ये गाइस ऊपर जाके ना, जब मैं बिल्डिंग के ऊपर चढ़ूँगा ना जहाँ पर मैं जॉब कर रहा हूँ, फुल ऊपर जाऊँगा वहाँ से आपको व्यूज़ दिखाने की कोशिश करूँगा। ये ऊपर वाले, ये देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग है, ये जब मैं ऊपर चढ़ूँगा ना तो ऊपर चढ़ के दिखाऊँगा। और वो देखें वो बंदा, वो स्टिल वहाँ पे, ये कल सुबह मैंने देखा था ये वाला बंदा, ये शराब पी के ना यहाँ पे गिरा पड़ा हुआ था कल सुबह जब मैं जॉब पे आया था, और अगले दिन की सुबह होगी और वो देखें स्टिल वहाँ पे लेटा हुआ है। क्या लाइफ है देखो गाइस यहाँ पे शराबियों की, और करो पुठे काम ना, उसका कोई ख्याल करने वाला, बस ऊपर किसी ने चादर दे दी उसके और वो वैसे का वैसे गिरा पड़ा हुआ है। लेकिन बसें सुबह सुबह चलना शुरू हो गई हैं, ये दिन रात चलती हैं, दिन भी रात भी ड्राइवर चेंज होते रहते हैं। ये लेकिन बाहर लोजी गाइस, जिस बिल्डिंग पे मैं आया सिक्योरिटी की जॉब करने, तो आज लास्ट डे था, तो मुझे ये था कि इसके ऊपर चढ़ के तो थोड़ा सा बाहर का नज़ारा भी आपको दिखा दूँ। मुझे डर लग रहा है मोबाइल ना कहीं गिर जाए मेरा, तो ये टॉप फ्लोर है इसका और यहाँ से मैं बड़ी मुश्किल से वीडियो बना रहा हूँ। बड़ा प्यारा सीन है, बट ये आगे इन्होंने जाल सा भी लगाया जिसकी वजह से बाहर इतना प्यारा नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से थोड़ी सी जगह थी, मैंने कहा ये ऊपर वाला हिस्सा आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, वो दूर दूर तक देखें। आगे भी नई जगह, जितनी नई जगह पर जाया करूँगा गाइस, कोशिश करूँगा उसको कैप्चर करके आप लोगों तक पहुँचाऊँ। ये देखें गाइस मेरी उंगली आ गई ऊपर, मेरे ख्याल से उसके लिए माजरत। फिलहाल ये आपको यहाँ से मैं यही दिखा सकता हूँ, जो दिखा सकता हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी मैं जब होल्डर वगैरह ले लूँगा तब सीन और हो जाएगा थोड़ा सा, अभी होल्डर वगैरह नहीं है मेरे पास। ये देखें काफ़ी नीचे गाड़ी हैं और मेरी तो हालत बिगड़ी होगी मेरे ख्याल से इस टाइम कैमरा कर। ये देखिए ये यूनिफॉर्म है मेरा, और नीचे शूज़ होते हैं, ठीक है, और जो शूज़ होते हैं स्पेशल होते हैं इसके लिए, सिक्योरिटी के लिए। और ये मैं बताते हैं, कुछ हालत बिगड़ी हुई है बिकॉज अभी जाने का टाइम है और बहुत लंबी जॉब होती है, 14 घंटे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, 14 घंटे की जॉब 12 घंटे की जॉब बस हो जाती है। अभी तो बाल आ गए हैं हूँ, तो थोड़ा जो मैं सोना लग रहे हैं तुम्हें मनो ना मनो, आगे जो पिछला व्लॉग था उसमें बाहर नहीं थे आया तो दुबई लग रहा था, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इस चीज़ को, तो आगे भी आते रहेंगे। स्टे विद मी गाइस, लाइक सब्सक्राइब करते रहें और बढ़ते रहें ताकि मुझे अच्छा लगे कि यार आप लोग मेरी वीडियो पसंद कर रहे हो। थैंक यू। I should probably start to walk away. I'm hoping that you still make me have to stay, 'cause I'm floating in your arms.